नमस्कार, मैं T20 न्यूज और SV न्यूज देख रहे हैं आप। इस समय फिलहाल हम मौजूद हैं लघु सचिवालय में और यहाँ शादी के फंक्शनों के लिए कुछ लोगों को आ रही हैं समस्याएं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं हिसार ऑटो मार्केट से। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश सैनी। जी जी, मेरी गुड़िया की शादी है 4 मई को रोहतक में। उससे पहले 3 तारीख का हमने बात का फंक्शन रखा था, तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि हर फंक्शन के लिए परमिशन चाहिए, तो उसके लिए मैं जो है SDM साहब के पास यहाँ परमिशन के लिए आया। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताए स्टाफ ने, मैंने सभी जो है भाग दौड़ करके पूरे किए और कागज़ पूरे होने के बाद मुझे कहा कि कोई परमिशन नहीं मिलेगी इस चीज़ की उसके, और स्टाफ ने ये कहा कि कोई अगर आता है लट खाने तो आपने खाने, हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। और जब उसके बाद फिर हम SDM साहब से मिले तो वो कहते हैं हम इसके लिए नहीं देंगे, तो हमने कहा कि लिखित में दे दो, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किसी ने क्या कहा गया था? रूम नंबर 13 में कोई बैठे हुए हैं जो मुलाजिम से, उन्होंने मुझे कहा था, जो अफसर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आप होटल की अंडरटेकिंग लेके आइए, बच्चों के डॉ अपनी गुड़िया के ID कार्ड, आपका ID कार्ड, मैंने सभी पूरे कर दिए, होटल की अंडरटेकिंग, मेरी अपनी अंडरटेकिंग, सभी मेरे कार्ड शादी के जो मैंने पे लगा दिए। आपको पता है COVID-19 कितना फैल रहा है, महामारी फैल रही है, तो उसके बाद तो अगर कोई को दिक्कत आती है तो आपने क्या उसके लिए सावधानी, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैंने रखा। 3 फ्लोर मैंने लिए हैं, टोटल मेरे 40 से 45 आदमी मुझे आने हैं, 1 फ्लोर पे 15 से 17 आदमियों का मैंने इंतजाम करके रखा है ताकि कोविड का कोई प्रोटोकॉल ना टूटे, क्योंकि खतरा औरों से ज़्यादा हमें खुद को भी तो है, हम कैसे चाह सकते हैं कि हमारी भी जैसे किसी को कोई दिक्कत आ जाए। जो चीज़ें इसमें चाहिए प्रिकॉशन के लिए हमने सभी जो है खरीद कर रखी हुई हैं, चाहे वो सैनिटाइजर है, इवन मास्क तक मैंने खरीद कर रखे हुए हैं। शादी किसकी है, लड़की के लड़के? मेरी गुड़िया की है। कितना टाइम पहले ये पक्की की गई थी शादी? शादी तो मैंने 20 दिसंबर को पक्की की थी। आप ये नहीं कर सकते कि आप दो जने अपना चुन्नी चढ़ा के या अपना? सर मेरी गुड़िया की है, मेरे लड़के की नहीं है, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। और हमने रोहतक में भी सिर्फ 30-35 आदमियों का ही प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पे भी 50 आदमियों का नहीं है। अभी आप किससे मिले थे? SDM साहब से मेरे मित्र हैं, वह एडवोकेट साहब, ये मिले हैं, तो उनका भी क्या कहना है? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर, ये रिटर्न में है, आप देख सकते हैं। क्या बात हुई है सर, उन्होंने क्या लिख के दिया? ये SDM साहब ने लिख के दिया है परमिशन नॉट गिवन, उसके बाद हम हेलो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे आपने साथ? डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर पेरेंट्स का आधार कार्ड है और गुड़िया का आधार कार्ड, लड़के का आधार कार्ड और होटल के अंडरटेकिंग है कि हम जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसका पूर्ण पालना करेंगे, उसके लिए हमने सारी चीज़ें खरीद रखी है, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हम बात के लिए परमिशन नहीं देंगे, जबकि न्यूज़पेपर में आई है कि आप किसी भी प्रोग्राम के लिए परमिशन लेनी होगी तो SDM साहब देंगे। अभी आपको परमिशन नहीं मिली है तो हाँ, आगे आप क्या करेंगे? आगे हम DC साहब से मिलने के लिए गए थे, DC साहब नहीं बैठे, ADC साहब के पास गए, ADC साहब भी नहीं बैठे, उसके बाद CTM साहब के पास गए तो वो भी नहीं बैठे थे, लास्ट में हम सुपरिटेंडेंट के पास गए थे DC ऑफिस में जी। उन्होंने कहा कि ये काम SDM का हमारा नहीं है, हमने कहा कि उन्होंने तो मना ही कर दिया, मना कर दिया, वो उनकी पावर है, हमारी नहीं है, आप इसके लिए DC साहब से मिले, तो कल हम DC साहब से मिलेंगे इसके बारे में। अगर आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? DC मैडम से कल आप मिलने वाले हैं हाँ? तो आप यहीं लघु सचिवालय ही आएंगे? लघु सचिवालय में बैठते हैं मैडम, तो यहीं आना पड़ेगा हमें। और शादी की तैयारियां आपने पूरी कर रखी हैं? शादी की तैयारियां पूरी है, रोहतक में शादी होनी गुड़िया की। अगर भाई चांस DC मैडम भी इसको परमिशन नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे? फंक्शन रद्द होगा, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जिला की मालिक है, अगर मैडम मना करेंगे तो करेंगे।